हे गाइस, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आगे से राइट बेटा स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ हर दिन कुछ ना कुछ आपको उससे नया सीखने को मिले। राइट रखना बेटा। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, जो कि उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है और कौन सा डेज है जाने दो। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है सर। सौरभ कहाँ से आते हैं ड्राइविंग सिंह में? आलमबाग से। ओके, सो गाइस, ये आलमबाग से आते हैं और काफ़ी हद तक ये सीख भी चुके हैं। बीच में काफ़ी दिन गैप कर दिया इन्होंने, काफ़ी टाइम बाद आए हैं। तो एक चीज़, एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा आप सभी को। अगर ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ ये है कि जो ये ड्राइविंग सिखाने का समय होता है, ये होता है 15 दिन का, ठीक है। टोटल प्रैक्टिकल में 15 दिन कराता हूँ, जिसमें आधे घंटे या 10 किलोमीटर दोनों में से जो हो जाए। लेफ्ट जाना है, राइट यहाँ पर है कहीं? नहीं है, तो फिर दिमाग की बत्ती खोल के चलाओ। तो होता है क्या, कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि वो 2-4 दिन सीखते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, कोई भी उनको काम आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो दोस्तों, 1-2 दिन 3 दिन तक मैक्सिमम, अगर 3 छुट्टियां आप करते हो तो वो मैं उसके आगे उसको एक्सचेंज कर दूंगा। अगर उससे ज़्यादा आप छुट्टियाँ करते हो तो वो काउंट हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि 15 राइड्स आपको 20 डेज के अंदर लेना है, जिसमें मैं मंडे टू सैटरडे सिखाता हूँ, संडे वीकली ऑफ रहता है। तो अगर आपने फर्स्ट को ज्वाइन किया तो 20 तक आपका रहता है, 1 तारीख को अगर आपने ज्वाइन किया तो 20 तारीख तक मैं आपका वेट करूंगा, इंतज़ार करूंगा। 20 तारीख तक वो टाइम आपका, 20 दिन तक मैं आपका स्लॉट खाली रखूंगा। 21वें दिन मैं वो टाइम दूसरे के लिए बुक कर देता हूं। अगर आपने 20 दिन के अंदर 15 राइड्स ले ली तब तो ठीक है, अगर उस बीच में आप नहीं आए तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। ना ही तो उसके बदले पैसा वापस किया जाएगा, ना ही उसके बदले सिखाया जाएगा। ये चीज़ समझ लीजिएगा, जितने लोग भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं बहुत ध्यान से। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हफ्ते भर सीखने के बाद एक एक महीने गोल हो जाते हैं। तो भाई, मेरे 1-2 दिन तो होता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बुकिंग चलती है और वेटिंग रहती है, तो मैं किस बंदे को कहाँ पे एडजस्ट करूँगा, पॉसिबल नहीं है। तो कृपया करके दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको सीखना है तो चीज़ों को पहले समझ लें। 1-2 दिन की बात अलग होती है, कुछ लोग 2 दिन के लिए घर जाते हैं, 1 हफ्ते बाद आते हैं, तो मैं उसकी फिर कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाऊँगा। अगर आपका दिल करे तो आप आ सकते हैं, नहीं तो मुस्कुराइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे साथ सौरभ जी हैं, जो कि अभी हम लोग हैं शिवाजीपुरम के अंदर, और काफ़ी अच्छा इनका कॉन्फिडेंस हो चुका है। जाने दो धीरे धीरे, हाँ, काफ़ी अच्छा इनका कॉन्फिडेंस हो चुका है और अच्छी चला भी रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि जो स्टूडेंट मेरे पास आए वो अच्छे से अच्छे बारीक से बारीक चीज़ें सीख जाएँ, समझ जाए। राइट रखो हल्का, क्योंकि कार में क्या होता है ना कि तेज़ चलाना कोई कला नहीं है। जितना स्लो आप चलाओगे उतनी बारीकियाँ सीख पाओगे, जितना फास्ट चलाओगे उतनी बारीकियाँ मिस कर जाओगे। तो दोस्तों, अभी शिवाजीपुरम में मैं हूँ, यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे रोड हैं, 8-10 फीट के, एकदम सीधा जाना है। और छोटी छोटी इन गलियों में कार को कैसे चलाना चाहिए, कौन सी स्पीड में रखना चाहिए, तो दोस्तों इन सब गलियों में आपको फर्स्ट या सेकंड गियर में चलाना चाहिए। जाने दो, फर्स्ट या सेकंड गियर में, क्योंकि थर्ड गियर की यहाँ पे स्पीड मेंटेन आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट गियर 10-20 और सेकंड गियर 20-30। अभी विदाउट एक्सीलेटर ये सौरभ जी कम से कम पिछले 15-20 मिनट से कार ड्राइव कर रहे हैं, और इनका जो राइट वाला लैग है वो कहाँ पे है? ब्रेक पे। क्या एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ी कहीं पे आपको? नहीं पड़ी है। तो दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड गियर में विदाउट एक्सीलेटर कार आपकी चलती है, कोई भी गाड़ी हो, एनीवे, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, सर आपकी गाड़ी चलती बट हमारी नहीं चलती। तो दोस्तों, क्लच को एक बार फर्स्ट टाइम रिलीज़ करने का तरीका सीख लो, लेफ्ट जाना है, उसके बाद आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बिना एक्सेलेटर फर्स्ट और सेकंड गियर में मूव कर जाएगी। अब यहाँ पे टर्निंग आ रहा है तो यहाँ पे आपको हाफ क्लच लेना है, हाफ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ, जिससे कि गाड़ी आपकी सेकेंड गियर में मुड़ जाएगी। बस अब धीरे धीरे क्लच छोड़ दो, रास्ता क्लियर हो गया। क्लच इसलिए मैंने बोला था दबाने के लिए, ताकि अगर इनके सामने से कोई गाड़ी आ जाती तो आपको दिक्कत नहीं होती। यहाँ से फिर लेफ्ट जाना है, पहला लेफ्ट सिग्नल लेफ्ट का, बहुत ध्यान से, हाफ क्लच और हॉर्न देखें, गट, ये सब ब्लाइंड टर्न है। इन सब छोटी छोटी गलियों में चलाने के लिए थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ता है। सीधा सीधी करो फटाफट, गट जाने दो, वेरी गुड। हाफ क्लच, अगर दोस्तों आप फुल क्लच दबाओगे ना तो गाड़ी आपकी वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पूरा क्लच दबाने के बाद इंजन और गियर का कनेक्शन हट जाता है, टूट जाता है,
और हाफ क्लच लेते हैं तो गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव रहती है बट स्लो हो जाती है। सेकंड गियर में भी आप फर्स्ट गियर की स्पीड में गाड़ी को निकाल सकते हैं बिना गियर बदले। तो ये सारी चीज़ें समझना है और उसके बाद चीज़ों को अप्लाई भी करना है। अगर आप छोटी छोटी बारीकियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो शायद आपको वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो कि लोगों को आती हैं, चाहे वो गियर चेंज करना हो, चाहे स्टीयरिंग का कमांड हो, चाहे वो टर्निंग पॉइंट हो, राइट जाना बेटा राइट। और आप देख रहे हैं सेकंड गियर में ही सौरभ जी काफ़ी अच्छी तरीके से कार को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हाफ क्लच और हल्का सा नाक के बराबर। जैसे ही गाड़ी क्रॉस करे क्लच को रिलीज़ कर देना, ज़्यादा देर तक आप क्लच दबा के रखोगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। फिर यहाँ से राइट टर्निंग पे 100 मीटर पहले सिग्नल हॉर्न राइट वाला पैर ब्रेक पे, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो शायद बाद में आपको दिक्कत आएगी। गुड, यहाँ से फिर राइट। मैं अपने स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टर्निंग कराता हूँ, छोटी छोटी गलियों में टर्न कराता हूँ जहाँ पे स्टीयरिंग का, क्योंकि ड्राइविंग में सबसे मेन महत्व होता है स्टीयरिंग का। अगर स्टीयरिंग को आप सही तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाती हैं। यहाँ से लेफ्ट जाना, लेफ्ट बेटा, और सारा गेम है स्टीयरिंग का। 90% आपकी कार जो कंट्रोल होती है वो स्टीयरिंग से होती है, बाकी 10% में एक्सेलेटर क्लच ब्रेक और गियर जो भी है धीरे धीरे। चलो हल्का रेस लो, अभी ये सेकंड गियर में हल्का रेस लो, हल्का, हाँ जाओ 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 जाओ, हल्का रेस लेके निकाल लो। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी सेकंड गियर में गाड़ी थी और हाफ क्लच लिया इन्होंने तो गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी क्योंकि टर्निंग पॉइंट था, पासिंग डिपर दो। गुड, और एक बार हॉर्न मारो, लंबा हॉर्न, हल्का राइट रखो, मैडम रुकने वाली है नहीं, राइट रखो थोड़ा राइट राइट राइट, पत्थर पे चढ़ गई, ये देखो चढ़ गई, काटो। तो गलती उनकी है ना, उनको घुसना नहीं चाहिए लेफ्ट, तो आपको बेटा रोक लेना चाहिए था गाड़ी, लेफ्ट जाना यहाँ से। अगर जगह नहीं है तो क्या करोगे, एक अगर गलत कर रहा है तो क्या आप भी गलत करोगे, फिर दोनों में फ़र्क ही क्या रहेगा। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो पूरा क्लच दबा के देन ब्रेक लेके गाड़ी को खड़ी कर लो ताकि सामने वाला निकल जाए। आगे से राइट जाना जहाँ से साइकिल निकली है, स्पीड कम जाने दो धीरे धीरे, हाँ राइट रखो। गुड, यहाँ से राइट जाना है, मैं जहाँ से बाइक निकली है स्लो करके एकदम आगे जाके, थोड़ा आगे जाके काटो, ब्रेक छोड़ो, लेफ्ट आओ हल्का लेफ्ट। अब बेटा लेफ्ट काट के राइट काटोगे ना पिछला टायर आपका नाले में चला जाएगा, लो कर दिया ना कांड तुमने, पहले गियर में करो इसको, गियर ही नहीं, क्लच ही नहीं दबा रहे इसलिए गियर ही नहीं लग रहा है, तीसरा गियर डाल दियो भैया। छोड़ दो, चलो बढ़ाओ, जाओ जाओ बढ़ाओ, जाओ भाई बढ़ाओगे, ब्रेक छोड़ो, आओ लेफ्ट आओ, लेफ्ट राइट काटो। मैंने वहीं पे बोला था ना कि थोड़ा लेफ्ट दबा के टर्न करो, ये भूल जाते हो जहाँ पे बैठे हो वहाँ से गाड़ी पीछे भी तो लंबी है, वो कौन ध्यान देगा भाई। फिर इतना सिखाने के बाद ये हाल है यार, ड्राइविंग के लिए थोड़ा सा माइंड अलर्ट करना पड़ता है। मैंने मोड़ने से पहले बोला था, अब गियर तुम कुश्ती लड़ रहे थे अभी उसमें, और गियर बहुत इशारे से लगता है पता है तुमको, राइट रखो इधर लड़ जाएगी सफारी। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई, राइट दबाओ, छोड़े, हाँ छोड़ो, सीधी करो, क्या कर रहे हो सौरभ भाई, हाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी तो हाथ पर कांप रहे हैं एकदम, हालत देख रहे हो तुम्हारी ऐसी हो रही जैसे जलते तवे पे बैठा दिया गया है तुमको, ऐसे सीख पाओगे गाड़ी। फिर बढ़ा लो स्पीड, देख ही नहीं रहे हो हाथ पर ढीले हो जा रहे हैं तुम्हारे एकदम से, थोड़ा ध्यान दो मेरे भाई, एकदम से तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, अब इतना चला चुके हो तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेफ्ट लेना है, चीज़ों को समझ के करना होता है, थोड़ा दूर से प्लान करना होता है कि हमारा पिछला पहिया कहाँ जाएगा, पहले काट दोगे तो गड्ढे में चला जाएगा। चलो बढ़ा लो स्पीड, स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करो, और गियर को उसकी डायरेक्शन समझने की कोशिश करो, डायरेक्शन जो होती है ना वो समझो पहले, जो उसका सेंटर है, ये नहीं कि कहीं अभी तीसरा गियर लगाए पड़े थे तो वो वहाँ पे पहला गियर, ताकत थोड़ी लगानी होती, इशारे से चलता है ये, समझ रहे हो, यहाँ से राइट, यहीं से काटो फुल। गुड,
सीधी करो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। जाने दो धीरे धीरे, यहाँ से राइट जाना है, सिग्नल राइट का। हल्का लेफ्ट दबा के राइट काटना ताकि अगर राइट से कोई कार आ रही हो तो उसको दिक्कत ना हो। ये जो व्हाइट लाइनें बनी इसके बीच में गाड़ी चलानी है आपको, समझ रहे हैं? और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे से लेफ्ट लेना है। आराम से स्लो करके, ज़्यादा तेज हॉर्न मत बजाओ, सब अधिकारी रहते हैं यहाँ पे। हाँ टर्न करो, बस जाने दो धीरे धीरे, सीधी करो, आगे से फिर लेफ्ट जाना है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। यहाँ से लेफ्ट जाना है स्लो करके, हाँ हाफ क्लच हाफ ब्रेक। हाँ जाने दो धीरे धीरे, टर्न करो। बेटा आप ज़्यादा क्लच दबा लेते हो, मैंने आपसे हाफ क्लच कहा है, फुल क्लच। देखो गाड़ी खड़ी हो गई, नहीं हो गई तो हाफ क्लच पे गाड़ी कभी खड़ी होती है? फिर ऐसे नहीं करते ना, हाफ क्लच का मतलब हाफ क्लच है, फुल क्लच दबाने पे फिर इंजन बुझ जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।